तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। सबसे पहले बस एक कोनिकल वेसल बना लो, बन गई। यस सर। ये देखो कुछ ऐसे एक कोनिकल वेसल है, इसी में यहाँ पर एक होल है, यहीं से वाटर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर ना। बोलो भाई, माइनस डिक्रीजिंग है क्या? अच्छा ड्रॉप हो रहा है तो मतलब डिक्रीज कर रहा है वॉल्यूम, बार बार क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चलो माइनस फोर प्लस फोर, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इतना बड़ा काम नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। यस यस सर। अब इसके बाद क्या कर रहा है, जब वाटर ड्रॉप हो रहा होगा तो किसी सिचुएशन पे क्या इंस्टेंट होगा भाई, किसी सिचुएशन पे ऐसा वाटर ड्रॉप होगा यहाँ पे तो किसी सिचुएशन पे इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो एल होगी, यही तो कह रहा है। यस सर। और वर्टिकल एंगल इसका कितना आपको दे रखा है फिक्स, थीटा 120, कितना दे रखा है 120, थीटा 60 है, मतलब पूरा एंगल हो जाएगा, पूरा एंगल 60, वो 120 है तो थीटा 60 हो जाएगा, हाफ एंगल ना। यस सर। यस सर। यस सर। ये यहां तक ये क्वेश्चन है, खत्म हो गया। यस सर। तो वॉल्यूम की वैल्यू किसके टर्म में निकाल लो, एल के, वो तो आप आराम से निकाल ही लेंगे। बोलो। यस सर। भाई किसी भी स्टेंट निकाल ले फिर वॉल्यूम रखते हैं। नहीं 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 भाई, एल के टर्म में, आर और एच को एल के टर्म्स में करते हैं। हां भाई वही चीज तो, ये आर होगा, ये किसी इंस्टेंट पर एच होगा, तो आर इंस्टेंट पर तो एल स्क्वायर होगा, वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर तो चल ही रहा होगा। यस सर। बोलो भाई, थीटा के टर्म्स में लिखा इसमें। यस सर। sin थीटा cos थीटा एल बाय 2 और रूट 3 एल बाय 2। अच्छा दूसरा क्या होगा कि जैसे आप ये वाला एंगल बनाओगे, ये वाला ट्रायंगल यहाँ देखोगे, एक रिलेशन ये यूज होगा, दूसरा ये है, वहां पर ये थीटा आपको 60 दे दिया, ये रेडियस आर है, ये एच है इंस्टेंट पर, ये उस इंस्टेंट पर एल है, तो आप कह सकते हैं कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल और कॉस थीटा इक्वल टू एच बाई एल। यहाँ से आप आर को क्या लिख सकते हो, बोलो, एल रूट 3/2, और यहाँ से आप h को क्या लिख सकते हो, l बाई 2। अब जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर h बाई 3। अब सारी वैल्यू उठा के रखो तो वॉल्यूम टोटली क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 वी एल स्क्वायर बाई 4 इंटू एल बाई 2। देखो सही लिख रहा हूँ मैं, तो क्या ये पाई बाई 8 एल क्यूब आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो तो डी वी बाई डी टी कितना होगा, पाई बाई 8 इंटू 3 एल स्क्वायर डी एल बाई डी टी। अब आपको बताना है डी वी बाई डी टी कितना दे रखा है, 4, एल दे रखा है 3, और आपको क्या निकालना है, एल बाई डी टी। अब तो आंसर आ गया सीधे सीधे, डी एल बाई डी टी 4 into 8 अपॉन 3 into 5 9। तो आंसर कितना आया, 32/27। वो तो ठीक है, डिक्रीजिंग रेट ही है तो माइनस में आ ही जाएगा। बोलो भाई कितने लोगों का कैलकुलेशन समझ आया। यस सर। तो वही लॉजिक में जो लास्ट क्लास में आपने सीखा था, क्वांटिटी का रिलेशन उसी पैरामीटर पे निकाल लो जिस पर आपको रेट दिया हो, और वो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई ज्योमेट्री दी होगी। एल को आप दो तरीके से यूज कर सकते थे, या तो आप इस रिलेशन से यूज करते या फिर आप स्ट्रेंगल से, इसमें स्ट्रेंगल से यूज करना। बोलो भाई, इनका डाउट था उनको समझ आया कि नहीं? yes. बस इससे ज्यादा की जरूरत थी, हो गया मामला, आगे बढ़े। yes, देखो आपने ये तो पढ़ाई है कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx आपने बनाया और उसकी किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर आप पहुंचो, तो इस पॉइंट x इक्वल टू a पर अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है m जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a, तो वो जो m होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, dfx by dx, वो भी कहां पर, x इक्वल टू a, या हम कह दें वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, वो भी कहाँ पर, एक्स इक्वल टू ए, यानी एक्स इक्वल टू ए पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होता है वो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट,
तो कोई भी कर्व आपको दिया उसका आप x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो जो डिफरेंशिएशन आएगा वो उस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो ज्योमेट्रिकली आपने पढ़ा ही है। अब मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उसकी x1 y1 पे टेंजेंट की बात है, तो ये आप तब लिखेंगे इफ x1 कॉमा y1 लाई ऑन द कर्व। अगर x1 कॉमा y1 लाई ऑन द कर्व है तो f x1 किसके बराबर होगा? y1 के। तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पर m की वैल्यू किसके बराबर होगी? m की वैल्यू होगी dy by dx के बराबर, वो भी कहां पर? f x1 कॉमा y1। ये मतलब अगर आपको किसी भी कर्व के लिए x1 कॉमा y1 पे टेंजेंट निकालनी है और वो x1 कॉमा y1 ऑन द कर्व है तो सीधे टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, जहां पर m होता है टेंजेंट का स्लोप, यानी उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू। ये तो आपने पढ़ाई है, किसी पॉइंट पर अगर आप डेरिवेटिव निकालते हैं वो बेसिकली उस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रही होती है उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट पता ही था, स्लोप मिल गया, लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे स्लोप और पॉइंट लगा। समझ गए कि नहीं? बट ये काम आप केवल तब कर सकते हैं जब आपका एक्स वन वाई वन पॉइंट कहाँ सेटिस्फाई कर रहा हो कर्व को, तब आप ये मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज इस इक्वेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर पॉइंट ऑन द कर्व नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। सेम अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना हो एट एक्स वन वाई वन पे फॉर वाई इक्वल टू एफ एक्स, वो भी कब? जब एक्स वन वाई वन कहाँ हो? ऑन द कर्व। इसका मतलब एफ एक्स वन किसके बराबर हो? वाई वन के। तो आप लिखोगे उसको वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई एम x माइनस एक्स वन, जहां पर अभी भी सेम m का मतलब क्या होगा? dy by dx, वो भी कहां पर? x1 कॉमा y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों आप निकाल सकते हो एट अ पॉइंट x1 y1, बट कंडीशन सिंपल सी है कि वो पॉइंट क्या करना चाहिए? कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल सीधा डेरिवेटिव करके निकाली जा सकती है। बोलो इतने लोगों की बात समझ आ रही है? डन हुआ मामला कि नहीं? yes, ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं थी, मतलब सिर्फ ये डायग्राम दिमाग में सेट कर लो। जैसे ये कर्व है, इस कर्व के लिए आपने किसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट निकाली, किसी पॉइंट x1 y1 पे नॉर्मल निकाला। ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 ऑन द कर्व, ये कर्व है y इक्वल टू x, ये हो गई टेंजेंट, हो गया नॉर्मल, इसका स्लोप हो गया m, इसका स्लोप हो गया माइनस वन बाई एम। ये तो ओके है, यहाँ पर m का मतलब कितना हो गया? dy by dx at x1 comma y1। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हो? बोलो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। नॉर्मल के लिए क्या लिखते हो? y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस वन बाई डायग्राम रिजल्ट टेंजेंट नो, बट कंडीशन सिंपल सी है, ये जो एक्स वन वाई वन पॉइंट है ऑन द कर्व होना चाहिए तभी ये थ्योरी लगेगी, अदरवाइज इस थ्योरी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। dx आप एक्स वन वाई वन पे तभी निकाल कर स्लोप बोल सकते हैं जब वो पॉइंट कहाँ हो? ऑन द कर्व। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का बेसिक है। yes, sir. सर एक बार ऊपर कर दें तो पॉइंट आपको पता है ऑन द कर्व है तो सीधा dy by dx लेके टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालो। यस सर, dy by dx लो और टेंजेंट एंड नॉर्मल, थोड़ा सा सीधा dy by dx लो टेंजेंट एंड नॉर्मल आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है कि नहीं भाई? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में सॉल्व करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से dy by dx लेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल निकल आएगा। बोलो भाई,
किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रखें। सर आप क्लास कहाँ से स्टार्ट करिए वहाँ से दिखा दीजिए, देरी हो गई सर ज्वाइन करने में, स्क्रीनशॉट क्या बेटा क्या क्लास जहाँ से स्टार्ट करिए यहीं से, यहीं से आज की क्लास यहीं से स्टार्ट। हो गया? यस सर। चलिए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात सब लोग समझ गए कि नहीं? यस। तो पॉइंट ऑन द कर्व है तो आप सीधा रिजल्ट लगा देंगे, बस ध्यान रखिएगा रिजल्ट केवल तब लगेगा जब पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द कर्व पर। अब बाकी चीजें तो डायग्राम से ही मैं समझाता चला जा रहा हूँ। देखो अब जैसे एक कर्व है उसकी आपने टेंजेंट की थी, ये कैसी टेंजेंट है? बोलो भाई ये कैसी टेंजेंट है? बोलो भाई कैसी टेंजेंट है ये? बताते जाना। हाँ भाई पहले केस में कैसी टेंजेंट है कर्व की? कैसी में क्या मतलब? टेंजेंट आपको कैसी दिख रही है? जीरो जीरो दिख रही टेंजेंट इनको? एक्स की जीरो एंगल की क्या मतलब, बताना क्या है? पहले केस में टेंजेंट कैसी है? एक्स की पैरेलल और पैरेलल टू एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि आपकी टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी तो नॉर्मल कैसा होगा? वर्टिकल टू वाई एक्स परपेंडिकुलर, सही है। और इस केस में टेंजेंट कैसी है? वर्टिकल। जब वर्टिकल टेंजेंट होगी तो वर्टिकल टेंजेंट होगी तो नॉर्मल कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। दोनों में से कोई एक चीज दिमाग में सेट कर लो या डायग्राम दिमाग में सेट कर लो, इसलिए मैं सिर्फ डायग्राम ही बता रहा हूँ आपको। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा है क्या, जब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगी तो इसका मतलब वो क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन क्या होगा? जीरो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। और जब टेंजेंट वर्टिकल होगी तो इसका मतलब dx by dy at x1 y1 क्या होगा? जीरो। कितने लोग ये बात समझे? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर समझ। तो अब जो कंडीशन जहां दी होगी आप उसका dy by dx निकाल के जीरो कर देंगे, तो या इसमें आप ऐसे ही बोल सकते हो कि dx by dy उस केस में कहाँ जा रहा होगा? इनफाइनाइट। बोलो। यस सर। इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो कि dx by dy x1 y1 पे कहाँ जा रहा होगा? प्लस माइनस। या इस केस में कह सकते हो dy by dx at x1 y1 कहाँ जा रहा होगा? प्लस माइनस। ये समझ आ रही है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट इन सब का मतलब समझ गए कि नहीं? बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ। यस। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि इस कर्व की एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो इसका मतलब डीवाई डी एक्स को क्या करना है? जीरो। जहां जहां डीवाई डी एक्स जीरो होगा वहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हो जाएगी। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? यस सर। और अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा? जीरो। या इसी को कहते हैं वर्टिकल नॉर्मल है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है तो वर्टिकल टेंजेंट। अब जहां जैसी कंडीशन होगी वो आप लगा देंगे। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ आ रही है? बोलो भाई। डन हो गया? यस सर।
इसका मतलब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू y1 और नॉर्मल की x इक्वल टू x1। यहाँ पे इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, y इक्वल टू y1 और नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखोगे, जहाँ जैसी जरूरत हो वो आप लिखोगे। बट हॉरिजेंटल और वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजेंटल और वर्टिकल नॉर्मल का क्या मतलब होता है, उसमें क्या कंडीशन लगाई जाती है, ये बात समझ आ रही है सबको कि नहीं, बोलो। बोलिए भाई, डन हो गया, कोई डाउट? नो सर। नो सर। वेरी गुड, चलिए नोट हो गया ये? यस 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 सर। इसमें तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, जैसे आपने कहा कि एक कर्व है y इक्वल टू fx, उस पर आपने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींची, ठीक है ना, और वो टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये लाइन है ax plus by plus c इक्वल टू जीरो, टेंजेंट जो है वो लाइन के पैरेलल है, का मतलब टेंजेंट फॉर y इक्वल टू एफ एक्स पैरेलल टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, तो ऑब्वियसली आप इस पॉइंट को एक्स वन कॉमा वाई वन कहेंगे, यहां पर आप टेंजेंट लिखेंगे और वो इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब एक्स वन कॉमा वाई वन पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा और जो लाइन का स्लोप होगा वो दोनों सेम होंगे कि नहीं? हाँ है ना, समझ रहे हो कि नहीं भाई? x1 y1 पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा और x1 वो सॉरी उस लाइन का स्लोप दोनों सेम होंगे कि नहीं, ये बात समझ आई सबको कि नहीं? अरे बोलो भाई। यस सर। तो जब टेंजेंट पैरेलल होगी तो नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर। उसका मतलब यही सेम कंडीशन आप उस समय भी लगा सकते हो जब क्या दिया हो, यही सेम कंडीशन आप तब भी लगा सकते हो जब क्या दिया हो भाई, बोलो भाई, यही बात सेम है जो भी जब कहा जाए नॉर्मल फॉर y इक्वल टू एफ एक्स पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, सेम कंडीशन होगी कि नहीं बताओ? तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को एक्स वन वाई वन लेके एक कंडीशन आप बनाएंगे, एक्स वन वाई वन इस पे लाई करा देंगे, एक कंडीशन स्लोप से बना लेंगे, दो पॉइंट दो कंडीशन, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? सॉल्व कैसे करोगे बताओ? यस सर। बस मैं क्या समझा रहा हूँ समझे कि नहीं? ये कंडीशन तो उस बात की हो गई जब इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट है, अब आपको मान लो वो पॉइंट भी निकालना है और वो लाइन मतलब वो पॉइंट निकालना है, तो उस पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, उस पॉइंट को एक्स वन वाई वन मान लोगे और उसको इस कर्व पे सेटिस्फाई करा दोगे, फिर एक्स वन वाई वन पे इसका स्लोप निकालोगे और उसको इसके स्लोप के बराबर कर दोगे, दो इक्वेशन दो अननोन काम हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यस सर। कंडीशन आप यही लगाओगे जो लिखी है कि नहीं डायग्राम में, बताओ? अरे yes. हाँ या ना बोलते जाओ भाई। यस सर। ये तो अंडरस्टूड है ना कि एक्स वन वाई वन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द कर्व। ये सब एनालिसिस हमने पढ़ाई तब है जब ऑन द कर्व सब कुछ चल रहा है, अभी कर्व के बाहर अभी हम गए नहीं। बोलो भाई, ये सब चीजें समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब इसी में अगर सिचुएशन ऐसी में बना दूं, ये रहा और ये रही वो लाइन, अब जो टेंजेंट है, अब जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है? ऑन में नहीं है सर, वो बाहर। जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है भाई? परपेंडिकुलर है। यस सर।
टेंजेंट है वो इस लाइन के, क्या ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियसली एक्स वन वाई वन आप पॉइंट लेंगे ऑन द कर्व, वहां पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। अब इस लाइन का स्लोप, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन। अब हम कहेंगे टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन और वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या है परपेंडिकुलर है। टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पढ़ लो, अब क्या होगा टेंजेंट का स्लोप एट एक्स वन वाई वन बी बाई ए आ गया, और लाइन का स्लोप माइनस बी बाई ए या माइनस ए बाई बी सॉरी कितना होगा प्लस बी बाई माइनस ए बाई बी, और वो किसके बराबर होगा दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन हो जाएगा कि नहीं बताओ भाई। यस सर। अरे हाँ या ना, बोलते जाओ भाई, यही कंडीशन तो होगी इस बार। यस सर। यस सर। अब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा माइनस वन, क्या यही कंडीशन सेम एज होगी जब नॉर्मल पैरेलल टू दिस लाइन होगा, यही कंडीशन इसी बात की भी तो होगी जब नॉर्मल क्या होगा पैरेलल टू दिस लाइन, बोलो। यस सर। यस सर। तो सेम, बट सेम लॉजिक है, जो एक्स वन वाई वन होगा वो कहाँ लाई करेगा, कर्व पे। इसका मतलब एफ एक्स वन अभी भी किसके बराबर होगा भाई, दो इक्वेशन दो हम लोग, तो चाहे टेंजेंट पैरेलल हो किसी लाइन के चाहे टेंजेंट परपेंडिकुलर हो, दोनों केसेस में क्या कंडीशन लगाएंगे ये आपको समझ आ गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेंजेंट होगी तो क्या कंडीशन लगाएंगे ये भी आपको पता चल गया, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। बट ये सारा काम आप तभी कर पा रहे हैं जब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, कर्व पे सर, क्योंकि जब पॉइंट कर्व पे है तभी उसका डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। समझ गए कि नहीं? यस सर। तो पैरेलल में, पैरेलल में स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर में स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन, टेंजेंट के साथ नॉर्मल की कहानी जैसे चल रही है क्योंकि नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है, तो जो काम उसमें पैरेलल में हो रहा है वो उसमें परपेंडिकुलर में हो जाएगा, जो इसमें परपेंडिकुलर में हो रहा है वो उसमें पैरेलल पैरेलल में। समझ गए कि नहीं पूरा? यस। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई। मामला यस सर। देखिए सिंपल सी बात थी, सबसे पहले निकालो डी एक्स बाई डी टी कितना आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस एट टी क्या माइनस थ्री। यस सर। डी एक्स बाई डी टी निकालो कितना आ रहा है फोर टी प्लस थ्री, देख लो आराम से, सॉरी डी वाई डी, यही आ रहा है कि नहीं? यस सर। डी एक्स बाई डी टी थ्री टी क्या बेटा, तो 3t स्क्वायर होगा सर, 3t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 3 होगा। अभी ठीक है देखो। यस सर। अब आओ पहला, फॉर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या कंडीशन होती है, 0 हो जाए। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए dy/dx क्या होना चाहिए, 0 0 dy/dx का मतलब ये 0 हो जाए, टी की वैल्यू माइनस थ्री बाई फोर हो जाएगी कि नहीं? यस सर। पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट के लिए टी क्या रखोगे भाई, पॉइंट निकालना नहीं है, पता है नहीं निकालना, पॉइंट हो क्या जाएगा वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो भाई, पॉइंट क्या हो जाएगा,
पता है हमें क्या निकालना है, पॉइंट हो क्या जाएगा, ये टी की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दोगे कि नहीं? यस सर। तो पॉइंट कितना आ जाएगा, भाई सीधा सॉल्व कर देंगे तो 27/64 माइनस कितना 9/4 प्लस का 9/4 बोलो। यस सर। और यहाँ से आएगा कितना 2 × 9, 9/8 माइनस का 9/4 माइनस का, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा पॉइंट आ गया। तो कितना पॉइंट आ गया सर? 1 पॉइंट। यस। यहाँ पर टेंजेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल। अच्छा वर्टिकल टेंजेंट के लिए क्या करोगे? dx/dy को जीरो कर देंगे, डिवाइड। अब वर्टिकल टेंजेंट के लिए कंडीशन पड़ी है कि dx/dy क्या होना चाहिए, जीरो जाना चाहिए। अब जैसे इसको जीरो करोगे तो 3t²-8t-3/4t+3 जीरो हो जाएगा। तो अब जो है वो आएगा 3t²-8t-3 जीरो। यहाँ से इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर बन रहे कि नहीं, 3t-1 एंड t-3, क्या देखो टी की दो वैल्यू आ रही है कि नहीं? यस सर। टी और -1/3। अरे हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। नो सर। क्या है मामला? देखो t की वैल्यू या तो आप 3 ले सकते हो या क्या ले सकते हो, -1/3। मतलब कितने पॉइंट आएंगे यहाँ से? v2 आएगा और h1। पॉइंट कितना आ रहा है जब t इक्वल टू 3 रखोगे, तब कितना आएगा, कितना आ रहा पॉइंट? 27-36 और माइनस का 9। और दूसरा कितना आएगा? 9 = 18 + 9 - 5। एक पॉइंट ये आएगा। और दूसरा पॉइंट कितना आएगा? t³ ना, यानी कि -1/27 - 4t², 4/9 एंड माइनस का 3t। फिर आएगा 2t² एंड प्लस का 3t एंड माइनस का 5। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, कितने आ रहे हैं पॉइंट, समझ गए कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक जगह, वर्टिकल टेंजेंट दो जगह, तरीका तो सेम, समझ गए ना? बोलो h+v कितना हो गया, h+v कितना हो गया भाई? 3। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं बताओ? यस सर। कोई डाउट? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो? किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बता सकते हो अभी भी, बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? यस सर। अच्छा अब सोचो, इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेम क्वेश्चन होता, ये समझ आ गया ना? अब देखो यही सेम क्वेश्चन है आपके सामने, और मैंने आपसे पूछा फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट t=1, तो क्या करते हो भाई? बोलो, सबसे पहले t=1 पे क्या निकालते हो? पॉइंट। पॉइंट तो x कितना आता? 1 - 4 - 3 कितना बन जाता? -6। y कितना आता? 2 + 3 - 5 0। अब ये पॉइंट आ गया, जो पॉइंट है वो आ गया -6.0। इसके बाद क्या निकालते? स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy/dx हो जाता। कहाँ पर? 1 पे। dy/dx कितना आ रहा है?
40 प्लस 3 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 80 माइनस 3 बोलो, और इस पर आप क्या रख देते t इक्वल टू 1, तो 7 अपॉन माइनस 8 आ जाता बोलो। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस 0 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू माइनस 7 बाई 8। नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाती है, y माइनस 0 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू 8। कितने लोगों को पूरा लॉजिक क्लियर है? यस सर। टेंजेंट में y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू m होता है, और नॉर्मल में माइनस 1 बाई m हो जाता है। समझ गए कि नहीं भाई? और ये पॉइंट ऑन द कर्व भाई, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो सीधा रिजल्ट आप लगा देंगे। कितने लोगों को बात क्लियर हो रही है, बोलो भाई। यस सर। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। डन हो गया है डायरेक्ट रिजल्ट? क्या लोगे बताओ? सबसे पहले हमने माना पॉइंट क्या है हमारा, x1 कॉमा y1, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू किसके बराबर है, cos x1 प्लस y1। ये पहला रिलेशन आ गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आई भाई? पहले तो आप पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे ना, पॉइंट एक बार मिल जाएगा तो स्लोप आपको पता ही है, सीधा आंसर आप लिख देंगे, बोलो भाई। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्वेश्चन में दिया ही है, कितना दिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कितना दिया है भाई? लाइन तो आपको पैरेलल दे रखी है ना, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस हाफ। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन कितना है, माइनस हाफ है कि नहीं? अब x1 y1 पे स्लोप निकालने के लिए आप इस इक्वेशन को क्या करोगे बताओ, डिफरेंशिएट, तो dy by dx कितना आएगा, माइनस साइन x प्लस y इंटू 1 प्लस dy by dx। बताओ भाई यहाँ से dy by dx की वैल्यू कितनी आ रही है, कोई बताएगा मुझे? माइनस साइन x प्लस y अपॉन 1 प्लस cos, सॉरी 1 प्लस साइन x प्लस y। देखो क्या यही आ रही है, बताओ। अरे हाँ है ना, बोलते जाओ भाई, क्या सही लिखा है बोलो, क्या सही लिखा है बताओ भाई। एक्स वन कॉमा वाई वन, तो इसका मतलब माइनस साइन एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स वन प्लस वाई वन। ये m आया, ये किसके बराबर आया, माइनस हाफ के। माइनस माइनस कैंसिल, तो यानी कि 2 साइन एक्स वन प्लस वाई वन इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स वन प्लस वाई वन। देखते जाना, इसका मतलब साइन एक्स वन प्लस वाई वन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो जो कॉस एक्स वन प्लस वाई वन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ है ना, बोलिए भाई। अब देखो x1 जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, कहां से कहां लाई कर रहा है, जीरो से माइनस टू पाई से टू पाई। यहां तक कैलकुलेशन एकदम क्लियर है भाई? हमें सिर्फ क्या निकालना है, पॉइंट निकालने, पॉइंट निकल आएंगे स्लोप पता ही है, काम हो जाएगा। जितने पॉइंट आएंगे उतने हिसाब से आप टेंजेंट बनाते चले जाओगे। आप क्वेश्चन में बढ़ो, दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन है y1 इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1, और दूसरी इक्वेशन है साइन ऑफ x1 प्लस y1 इक्वल टू 1। इन्हीं दोनों से आपको सॉल्व करना है। यहाँ से कॉस की वैल्यू जीरो मिल गई, यहाँ से y1 हमेशा के लिए जीरो मिल गया। जैसे ही y1 की वैल्यू जीरो रखोगे, साइन x1 की वैल्यू 1 मिलेगी। अच्छा, जो x1 है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस टू पाई से टू पाई। तो x1 क्या क्या हो सकता है, क्या वो माइनस थ्री पाई बाई टू हो सकता है, क्या वो पाई बाई टू हो सकता है बोलो। तो इसका मतलब पॉइंट हमें क्या क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया पाई बाई टू कॉमा जीरो, और एक पॉइंट मिल गया माइनस थ्री पाई बाई टू कॉमा जीरो। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता ही है कितनी है, अरे बोलो भाई, माइनस हाफ। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखोगे, वाई माइनस जीरो, सॉरी y माइनस जीरो एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू माइनस हाफ, एंड y माइनस जीरो एक्स प्लस थ्री बाई बाई टू इक्वल टू माइनस हाफ।
कितने लोगों को पूरा कैलकुलेशन क्लियर हुआ ये बताओ। देखो काम कुछ नहीं था, सबसे पहले कर्व पे पॉइंट एज्यूम किया एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स निकाला उस पॉइंट पर और उसको स्लोप के बराबर कर दिया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालिए, स्लोप पता ही था, पॉइंट पता ही था, सीधा ही था। हर बार आपको इतना ही काम करना है। कितने लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही है बताओ। अरे बोलो कुछ, कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई। यस सर, अप्रोच उतनी ही थी, लाइन पैरेलल थी, अगर ये परपेंडिकुलर होती तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर देते, माइनस वन। एक स्लोप ये आया था, एक स्लोप इसका आता, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन कर देते अगर ये परपेंडिकुलर होता तो। वहां से एक इक्वेशन आ जाती, एक इक्वेशन पॉइंट से आ जाती, दोनों को सॉल्व करके एक्स वन वाई वन निकाल लेते, पॉइंट और स्लोप लेके आंसर लिखते। कितने लोग है पूरी कहानी क्लियर हो रही है बताओ। अप्रोच और कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, अब इसको सॉल्व करके आंसर तो निकाल ही लोगे, बोलो। तो अल्टीमेटली हमारा एम सिर्फ पॉइंट निकालना था, क्योंकि स्लोप तो हमें पता ही था, उसी स्लोप को यूज करके हमने पॉइंट निकाल लिया। ध्यान हो गया कॉन्सेप्ट की नहीं बताओ, कोई डाउट है। अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर नॉर्मल एट या फ्रॉम एक्स वन वाई वन। टू कर्व टू कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये अंडरस्टूड है कि अब जो है पॉइंट कहाँ है, एक्स वन वाई वन डज नॉट लाई ऑन द कर्व। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर कर्व पे होगा तो बात अलग ही हो जाएगी। इसका मतलब जो एफ एक्स वन है वो वाई वन के बराबर नहीं है। ये अच्छा, अप्रोच अभी भी सेम है क्या? सपोज ये वो कर्व है जिस पर हमें किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन से टेंजेंट निकालनी, तो एक्स वन वाई वन से हम टेंजेंट खींचेंगे, ये एक्स वन वाई वन, इससे हमें इस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स पर टेंजेंट खींचेंगे। यही तो है सिचुएशन, बोलो। अरे हाँ है ना, तो काम अभी भी सेम है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे क्या, लैम्डा कॉमा म्यू, समझ रहे हो? तो हमने क्या लिया, लैम्डा कॉमा म्यू पॉइंट लिया, कहाँ पे, ऑन द कर्व। तो इसका मतलब एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू म्यू, ये लैम्डा म्यू में पहली इक्वेशन हो गई कि नहीं बताओ। अरे हाँ है ना। अच्छा, इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, बोलो, क्या वो y1 वन माइनस म्यू अपॉन एक्स वन माइनस लैम्डा होगा कि नहीं बताओ। अरे हाँ है ना, y2 टू माइनस म्यू एक्स वन माइनस लैम्डा होगा कि नहीं बताओ। अच्छा, यहां पर जब आपने लिया है तो स्लोप क्या होगा, dy वाई बाई डी एक्स होगा कि नहीं, एट लैम्डा कॉमा म्यू, बोलो भाई। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? अब इसका मतलब दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होंगे, तो इसका मतलब y1 वन माइनस म्यू अपॉन एक्स वन माइनस लैम्डा हमेशा m के बराबर होगा कि नहीं, बोलो। ये दूसरी क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे, लैम्डा म्यू आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो लैम्डा म्यू एक बार आ गया तो बाकी काम तो कर ही लोगे ना। लैम्डा म्यू आते ही स्लोप और लाइन सारा आंसर लिखो, बोलो भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या किया मैंने, कितने लोगों को बात समझ आई भाई, बोलो। यस, ये काम आपने कब किया है, फॉर टेंजेंट। अच्छा, नॉर्मल के लिए क्या चीज डिफरेंट होगी, बस ये बताओ। अगर इसी में नॉर्मल आ जाए तो क्या डिफरेंट आएगा भाई? अब जो होगा वो पॉइंट से आप नॉर्मल खींचेंगे ऐसे, ये पॉइंट रहेगा पी एक्स वन कॉमा वाई वन,
बोलो भाई। तो अभी भी आप क्या करेंगे, यहां पर एक पॉइंट एज्यूम करेंगे कि नहीं, लैम्डा कॉमा म्यू बताओ। पहली इक्वेशन तो अभी भी सेम रहेगी, रहेगी कि नहीं? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं, बोलो। अब आप लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, कहाँ पर, लैम्डा कॉमा म्यू पे, वो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, वो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट लैम्डा कॉमा म्यू, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। यस, स्लोप ऑफ नॉर्मल वैसे क्या होगा, क्या होगा बताओ, वाइट y1 माइनस म्यू अपॉन x1 माइनस लैम्डा। अरे हाँ या ना, तो दूसरी इक्वेशन क्या करेंगी, y1 माइनस म्यू अपॉन x1 माइनस लैम्डा किसके बराबर होगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट लैम्डा कॉमा म्यू। कितने लोग ये बात समझ रहे हो, यानी इसी इक्वेशन को हम कह सकते हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो कहाँ पर, लैम्डा कॉमा म्यू पे, और उसको वाई वन माइनस म्यू अपॉन एक्स वन माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करो और उसको किसके बराबर कर दो, माइनस वन। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके क्या निकाल लो, कितने लोग ये सब समझ रहे हो ये बताओ, वहां से आते हो तो चाहे टेंजेंट हो तो भी बात सेम है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अगर आपको किसी आउटर पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है तो कर्व पर एक पॉइंट ले लेना है, तो उसको कर्व पे सेटिस्फाई करा देना है पहली इक्वेशन, फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेना है या टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना है और फिर उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन का स्लोप लिख देना है। अगर टेंजेंट है तो उसको टेंजेंट के स्लोप के बराबर कर देना है, अगर नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल के स्लोप के बराबर कर। लैम्डा और म्यू में कितनी इक्वेशन आ जाएंगी, हर बार दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लेना है, लैम्डा और म्यू आते ही आपकी आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अगर पॉइंट ऑन द कर्व नहीं है तो पहले कर्व पे पॉइंट लेंगे और जो काम पॉइंट लेके करते हैं वही कर देंगे, अगर कर्व पॉइंट जो है वो कर्व पे है तब तो फिर सीधा डीवाई डी एक्स निकाल लेंगे, कर्व पे नहीं है तो क्या होगा, कर्व पे है तो क्या होगा, दोनों बातें क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। वन कैसे निकाल दूं? हां पूछो पूछो, क्या निकाला बेटा, इक्वेशन वन कैसे निकाल दूं? इक्वेशन वन बोले तो एफ लैम्डा इक्वल टू म्यू, पॉइंट कहाँ है बेटा, कर्व में, तो कर्व को क्या करेगा, फ्लैटेस्ट। अब पता चला कैसे आई इक्वेशन, और सर अगर इम्प्लिसिट में दिया हो, पहले इनका जवाब देते हैं, हाँ कर्व को सेटिस्फाई करेगा, दिखा कि नहीं बताओ भाई, हाँ है ना, तो मतलब फंक्शन में लैम्डा रखे तो रखेंगे तो म्यू आएगा। अबे कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कब करती है कर्व को, y इक्वल टू fx को 2,1 सेटिस्फाई कब करेगा, जब x की जगह 2 रखोगे और y की जगह क्या आएगा वहां पे भैया, अरे x कॉमा y पॉइंट कर्व को कब सेटिस्फाई करता है, लाई करता है, तो लैम्डा कॉमा म्यू कर्व को कब सेटिस्फाई करेगा, जब f लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैसे कैसे सवाल कर देते हो कभी कभी भाई, अर्ज क्या हो गया, नींद नहीं खुली क्या, नहीं सर कुछ कंफ्यूज हो गया था। अच्छा चलो अभी ओके है, यस पक्का, देख लो अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा हो तो बताओ, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप तब यूज करेंगे जब पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड द कर्व पे नहीं है, नॉट इन द कर्व पे है तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सीधा डिवाइडेड। अब आओ इस क्वेश्चन की बात शुरू करते हैं, चाहे पैरामेट्रिक हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ पूछो कोई कुछ कह रहा है, पैरामेट्रिक होगा तो नोट करना, अभी लिखा नहीं था इतनी देर से, नॉर्मल का कौन है वाला, देखो लिखी मैंने, डज नॉट लाई ऑन द कर्व, क्यों नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि वन स्क्वायर टू इंटू वन माइनस फोर इंटू टू प्लस एट, ये जीरो नहीं आ रहा,
इसका मतलब पॉइंट वन कॉमा टू कर्व पे नहीं, चेक हो गया। तो कर्व पे नहीं तो कर्व के कहीं बाहर होगा, तो कर्व के कहीं बाहर होगा तो सपोज सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी, देख लो सब लोग। तो कर्व पे हमने एक पॉइंट ले लिया है एक्स वन कॉमा वाई वन, तो एक्स वन कॉमा वाई वन कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो वाई वन स्क्वायर माइनस टू एक्स वन क्यूब माइनस फोर वाई वन प्लस एट की वैल्यू जीरो होगी। पहली क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आई? यस सर। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट y स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस फोर वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो, तो टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई माइनस फोर, इसका मतलब थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वाई माइनस टू। चेक करो जरा सही लिखा है। यस सर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन क्या होगा बोलो, थ्री एक्स वन स्क्वायर अपॉन वाई वन माइनस टू, क्या यहाँ तक ओके हो? अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या बेसिकली बोलो, y1 वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस वन, ये दिखा, ये कैसे लिखा मैंने? यस सर। भाई लाइन वाले फॉर्मूले से? यस सर। दोनों स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब थ्री एक्स वन स्क्वायर अपॉन क्या होगा, y1 वन माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, y1 वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस वन। कितने लोग समझ आ रही है बताओ, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, थ्री एक्स वन क्यूब माइनस थ्री एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू y1 वन माइनस टू का होल स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से। अरे हाँ है ना, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन सॉल्व करके आपको अपना आंसर निकालना है। अब ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन अगर आप देखोगे तो y1 वन स्क्वायर माइनस फोर वाई वन प्लस फोर इक्वल टू टू एक्स वन क्यूब माइनस ट्वेल्व, देखो जरा सही लिखा, प्लस ट्वेल्व, सॉरी माइनस फोर, अभी ठीक है। देखो इसका मतलब y1 वन माइनस टू का होल स्क्वायर क्या है, टू एक्स वन क्यूब माइनस फोर, हाँ या ना? ये दिखा कैसे लिख रहा हूं मैं भाई? यस सर। बोलो भाई, नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। नो सर, नहीं दिख रहा। वाई वन स्क्वायर माइनस फोर वाई वन प्लस फोर, तो फोर बचा, उठा के इधर ले। अब दिखा बेटा, अभी भी नहीं दिख रहा है। तो मैं ऊपर वाली क्वेश्चन देख रहा था, ठीक है। अच्छा, एरो मैंने ये लगाया था, देखिए ये रहे थे, वाह। तो एरो मिट गया, मैंने एरो ये लगाया था और आप देख ये रहे थे कैसे चलेगा ऐसे। चलो यस सर। अब ये और ये देखो, यहां से आएगा 2x1 क्यूब, भाई अब अल्टीमेट एम है इन दोनों को सॉल्व करना बस। अब सॉल्व करने के लिए तो वो टेक्निक आपको लगानी पड़ेगी, इज इक्वल टू 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, दिखा सबको कि नहीं बताओ? यहां से क्या होगा बोलो, यहां से क्या होगा, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 जीरो आ रहा है बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर। यहां से क्या इसका एक रूट वन दिख रहा है बताओ? अरे हाँ या ना? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आज का ध्यान रखिएगा पूरे टाइम, जब भी आप एक्स वन या वाई वन में कोई एक इक्वेशन बनाएंगे तो जो एक रूट ये वाला होगा ना, ये देखो इधर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जरूर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये फैक्ट है। क्यों?
क्योंकि ऑब्वियसली आप उसी लाइन की बात कर रहे हैं जो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1, 2 से। यस सर। तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएगी x1 या y1 में, उसमें 1 या 2 सेटिस्फाई जरूर करेगा। देखो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? यस सर, कर रहा है, कर रहा है पक्का। यस सर। माइनस वन कर रहा है क्या वो? यस सर, माइनस वन। यस सर, माइनस वन कर लो। चलो माइनस वन करो, जरा बताओ। सर वन तो नहीं कर रहा। पहले माइनस वन करो ना, फिर आगे बढ़ाते हैं। इसको सेटिस्फाई करो तो जरा एक्स वन प्लस वन, एक्स वन प्लस वन, एक्स वन प्लस वन लिखो, एक्स वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन, और यहां से प्लस का फोर। चले फैक्टराइज हो गया क्या? एक्स वन प्लस वन एंड एक्स वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन प्लस फोर, ये आ गया एक्स वन प्लस वन एंड एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर। यहां से एक्स वन की वैल्यू क्या क्या आ गई? माइनस वन एंड टू। अब जब एक्स वन की वैल्यू आप क्या लोगे? माइनस वन, तो वाई वन कितना आया बताओ? वाई वन माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू माइनस फोर, ये पॉसिबल है क्या? नो सर। जब आप एक्स वन की वैल्यू टू लोगे तो वाई वन माइनस टू का होल स्क्वायर कितना आएगा? ट्वेल्व। बोलो भाई। यस सर। देखो कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा हो तो बताओ। सही लिख रहा हूँ मैं, देख लो सब लोग। अरे हाँ है ना, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। है? Yes, sir. यहां से y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? दो वैल्यू। क्या आ रही? 2 प्लस माइनस रूट। इसका मतलब पॉइंट क्या आ रहा है? 2 कॉमा 2 प्लस 2 रूट 3 या फिर 2 कॉमा 2 माइनस 2 रूट। अब एक बार पॉइंट आ गए तो स्लोप निकाल लोगे कि नहीं? वो तो के लिए स्लोप कितना आएगा? 3 इंटू एक्स वन स्क्वायर बाई वाई वन माइनस टू। वाई वन माइनस टू की वैल्यू कितनी थी? 2 रूट थी। और इसके लिए स्लोप कितना आएगा? 3 इंटू एक्स वन स्क्वायर बाई वाई वन माइनस टू। यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? वाई माइनस टू प्लस रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू 6 बाई रूट थ्री, मतलब 2 रूट। देखो सही लिखा है। और यहां पर कितनी होगी? y माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तरीका समझे मैं जो समझाना चाह रहा था मुद्दे की बात। अगर पॉइंट ऑन द कर्व नहीं है तो कर्व पर एक पॉइंट लो, पहली इक्वेशन इस लाइन को ज्वाइन करो, इसका स्लोप निकालो, कर्व का डिवाइड एस करके टेंजेंट का स्लोप निकालो। अगर टेंजेंट की बात हो रही है तो टेंजेंट के दोनों स्लोप इक्वल कर दो, वहां से दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स वन वाई वन निकाल लो, उन एक्स वन वाई वन पे टेंजेंट निकाल लो। यही सेम सिचुएशन अगर यहाँ पर आउटर पॉइंट से नॉर्मल के लिए होती तो यहाँ पर लाइन का स्लोप लिख लेते, यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप लिख लेते और दोनों को बराबर कर देते। दो काम आपको हर बार इतना ही करना है। अगर पॉइंट ऑन द कर्व है
तो सीधा डिवाइड एक्स लेना है, अगर पॉइंट ऑन द कर्व नहीं है तो कर्व पर एक पॉइंट मानना है, एक इक्वेशन ऑन द कर्व वाली बनानी है, एक इक्वेशन डिवाइड एक्स वाली बनानी है, लाइन का स्लोप निकालना है और दोनों को बराबर कर देना है। दो इक्वेशन बना के सॉल्व करके पहले पॉइंट निकालना है कर्व पे और फिर आपको डिवाइड एक्स करके आंसर। कितने लोगों की कहानी समझ में आई? अल्टीमेटली एक बात लगातार नॉक हो रही है बार बार, क्या? अगर आपको किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है तो आपको क्या चाहिए? कर्व पर एक पॉइंट चाहिए। हर बार यही तो आप सर्च आउट कर रहे हो। अगर डायरेक्ट दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप पहले वो पॉइंट सर्च कर रहे हो। ये जो आपने मेथड बनाया वो उस पॉइंट को निकालने के लिए बनाया। कितने लोगों को पूरा कैलकुलेशन क्लियर हुआ? बोलो, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? कोई डाउट आ रहा है तो ये बताओ। बोलो भाई। अरे बताएंगे कुछ, आया ना? समझ में आई? इंफॉर्मेशन नहीं आई? देखिए ज्यादा काम नहीं करना था, टचेस द एक्स एक्सिस, मतलब एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरा वाई एक्सिस को कट कर रहा है, और जहां वाई एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे जो उसका ग्रेडियंट दिया हुआ है वो दे रखा है 3, ऐसा है कुछ। तो एक्स एक्सिस को कर्व जहां टच कर रहा है वो पॉइंट है -2,0, और जहां वाई एक्सिस को कट कर रहा है, कर्व आपका दिया हुआ है y = ax³ + bx² + cx + 5, तो वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है? 0,5 पे, क्या? यस सर। यस सर। फॉर क्यू पॉइंट हम x को 0 रख दें, y कितना आ जाएगा? 5। तो q पॉइंट आ गया 0,5। ठीक है, इसका मतलब dy/dx जो है वो 0,5 पे कितना दे रखता है? 3। पहला, अच्छा यहाँ पे देखो dy/dx -2,0 पे कितना दे रखा है? 0। जीरो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। अच्छा ये पॉइंट ऑन द कर्व है। अरे बोलो भाई, -2,0 लाई ऑन द कर्व है ना? यस सर। एट द पॉइंट बोला है ना, तो इसका मतलब, इसका मतलब अगर हम इसको एफ एक्स कह दें तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है? 0। तीनों कंडीशन दे रखी है। अब तो सिंपल सी बात थी, dy/dx निकाल लो। कंडीशन सब लोगों को समझ में आई? भाई कहाँ से कंडीशन आ गई बताओ? कोई ऐसा जिसको कंडीशन ना समझ में आ रही हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी भी। अब आओ पहली कंडीशन, f(-2) = 0, इसका मतलब -8a + 4b - 2c + 5 = 0, पहली इक्वेशन। dy/dx कहाँ पर? -2 पे, 0 है। तो 12a - 4b + c 0, और dy/dx 0 पे। यस सर। देख लो यही तीन इक्वेशन आ रही होंगी। आ रही सबकी कि नहीं? यस सर। x इक्वल टू 0 रखोगे तो 3 आएगा, x इक्वल टू -2 रखोगे तो 0 आएगा, और f ऑफ -2 की वैल्यू 0 है। अब इन्हीं को सॉल्व करके निकाल लो, तो c की वैल्यू 3 रख दो तो a और b में दो इक्वेशन बन जा रही है, उन्हीं को सॉल्व करना था। बोलो भाई। तो 8a यस सर -4b = -1, 12a - 4b = -3, -4a = -2, क्या? Yes. a = -1/2, देखो। Yes. और अगर a - 1/2 है तो 3/-3/4, क्या? -4/2। देखो सही लिखा है। यस सर। सही है। एबीसी तीनों आ गए। यस सर। हाँ है ना। देखो कहीं कोई डाउट आ रहा हो किसी को तो बताओ। तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे कि नहीं, बस मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। बोलो, क्वेश्चन की लैंग्वेज सब लोग समझे कि नहीं? तीनों इंफॉर्मेशन स्ट्रीम लाइन में क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ। डन हुआ मामला कि नहीं भाई? अब यस सर। अब क्या है? अब क्या है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1
और कर्व y इक्वल टू एफ एक्स कट्स दी कर्व अगेन, तब क्या करोगे? मतलब टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, कहां पर? एट पॉइंट x1 y1, यानी पॉइंट ऑन द कर्व है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? कट कर रहा है कर्व को अगेन, तो क्या सिचुएशन बनती है? चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, x1 y1 पे आपने खींचा और वो कर्व को दोबारा कट कर दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है क्या कि आपने x1 y1 पे टेंजेंट खींची और वो कर्व को दोबारा किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो x1 y1 पॉइंट ऑन द कर्व है कि नहीं है? हेलो, अच्छा अभी भी लॉजिक एकदम सेम है? बोलिए भाई, लॉजिक में अभी भी कोई कमी नहीं है? अब जो ये वाला पॉइंट है ना x1 y1, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना? तो अब जो रूट आएगा उसमें ये रूट जरूर आएगा, बट इससे पहले नहीं आ रहा था, ठीक है? क्यों आएगा उसका लॉजिक समझे, क्योंकि ये पॉइंट भी कर्व पे होगा और ये पॉइंट भी कर्व पे, इसलिए ऐसा होगा। तो कॉन्सेप्ट में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आउटर पॉइंट का कॉन्सेप्ट था वही है इसमें भी, बस इसमें क्या है कि आउटर की जगह ये पॉइंट ऑन द कर्व है, तो इससे स्लोप आपको ये मिल गया है। ये पॉइंट आपने कर्व पे अज्यूम किया पहली इक्वेशन, इस लाइन का स्लोप और इस पॉइंट पे स्लोप दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके लैम्डा म्यू आते ही पॉइंट, ये पॉइंट आते ही आपको जो काम करना है वो आप काम कर लेंगे। सोचो नॉर्मल में क्या डिफरेंट होगा, नॉर्मल में मैं लिखूं या जरूरत नहीं है? नहीं करो, जो काम आपने टेंजेंट के लिए किया वही सेम काम आप नॉर्मल के लिए कर लोगे कि नहीं, बोलो भाई? कर ले। नॉर्मल में सोचो डायग्राम में बस यही चीज तो होगी ना, बोलो भाई? नॉर्मल ना ऐसा होगा कुछ, देखो अब आप इस पॉइंट पे क्या खींचोगे नॉर्मल, और वो कर्व को दोबारा क्या करेगा कट, यही तो होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो भाई। तो जो काम आपने टेंजेंट के लिए किया, ये पॉइंट ऑन द कर्व है तो ये पॉइंट ऑन द कर्व होगा ही x1 y1, कर्व पर एक पॉइंट आप ए लेंगे, इसको आप क्या मान लेंगे लैम्डा कॉमा म्यू, पहली कंडीशन तो वही हो जाएगी कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, बोलो पॉइंट ऑन द कर्व हो गया कि नहीं? तो पहली इक्वेशन तो सेम उसी तरीके से बन गई। इसके बाद आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर, एक्स वन कॉमा वाई वन पे, और वो किसके बराबर कर देंगे, स्लोप ऑफ लाइन पी ए के, वो किसके बराबर होगा, वाई वन माइनस न्यू इक्वल टू एक्स वन माइनस लैम्डा। बस सिंप्लीफाई दो इक्वेशन दो अन्य, कितने लोगों को पूरी कहानी क्लियर है बताओ? अरे हाँ है ना? Yes. तो चाहे आउटर पॉइंट से टेंजेंट नॉर्मल हो चाहे कर्व पे दोबारा टेंजेंट नॉर्मल कट कर रही हो, दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सिमिलर है, बस पॉइंट ही सर्च करना है। चाहे पॉइंट ऑन द कर्व हो तो क्या करते हैं, सब कुछ सेम चल रहा है। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट समझ गए कि नहीं? हर बार दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, बोलो। पैरामेट्रिक ले लो, देखो है क्या सिचुएशन, कि आप एक कर्व पे टेंजेंट खींच रहे हैं जो कर्व को दोबारा कट कर रही है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, पी पॉइंट को आप ले लो भाई साहब ई स्क्वायर कॉमा टी क्यू, देखो कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। क्यू पॉइंट को ले लो लैम्डा स्क्वायर कॉमा लैम्डा क्यू, तो सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन तो डन हो गई। तो भाई पैरामेट्रिक मान लिया,
ये समझ में आया कि नहीं? ये क्लियर हुआ कि नहीं पैरामेट्रिक पॉइंट? यस सर। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं टी स्क्वायर टी क्यूब। वैसे तो इस पॉइंट ऐसे लिए जाते हैं लैम्डा कॉमा लैम्डा की पावर 3/2, बट यार पावर 3/2 से बेटर है कि इसको लैम्डा स्क्वायर ले लो तो ये लैम्डा क्यूब आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, समझे? ऐसा मैंने पॉइंट क्यों सोचे है? बोलो। ये तो सबको फील आ रहा होगा ना कि वाई की वैल्यू एक्स की पावर 3/2 है, तो अगर एक्स को लैम्डा लोगे तो वाई लैम्डा की पावर 3/2 आएगा, बट अगर लैम्डा स्क्वायर लोगे तो लैम्डा की पावर 3 आ जाएगा ना, इसीलिए मैंने पॉइंट ऐसा मान लिया है। डन? यस सर। अब ये पॉइंट हमें दोनों पॉइंट ऑन द कर्व में ओके हो गया। अच्छा स्लोप एट अब क्या करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है तो 2y dy/dx इक्वल टू, तो यहां से dy/dx कितना आ रहा है y, तो जरा dy/dx निकालो कहां पर, t स्क्वायर कॉमा t क्यूब पे कितना आएगा बोलो? क्या ये 3/2t आ रहा है बोलो? अरे हाँ या ना। अच्छा अब PQ लाइन का स्लोप निकालो भाई, काम तो यही करते हो ना, तो वो आएगा टी क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब अपॉन टी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बोलो? टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा टी अपॉन सर वो 3t/2 होगा। 3t/2। अच्छा 3t/2 होगा अभी, ठीक है देखो। Yes. अच्छा यहाँ स्लोप निकालोगे तो क्या ये t प्लस म्यू कुछ ऐसा स्लोप आ रहा है देखो? अरे हाँ ना, ये दोनों स्लोप सेम होंगे, इसका मतलब 3t/2 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा टी अपॉन टी प्लस म्यू होगा। इसका मतलब 3t² + 3t µ इक्वल टू 2t² + 2λ² + 2λ µ। इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस टी म्यू इक्वल टू 2λ² होगा। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी यूज कर लें। बोलो भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी तक सेम काम किया है, पॉइंट ऑन द कर्व लिया, इस लाइन का स्लोप निकाला, इस पॉइंट पे स्लोप निकाला, दोनों को बराबर किया, लैम्डा और टी में एक रिलेशन आ गया। यहाँ तक पहुँच गया हो कि नहीं? अरे बोलते जाओ भाई, यहाँ तक पहुँच गया। तो टी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा टी वाली इक्वेशन, ये कहाँ से आई? ये कह रहे हो अबे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यार। सर वो नीचे टी प्लस लैम्डा होगा, म्यू भी कहाँ से दिया? यहाँ टी प्लस लैम्डा, अरे म्यू कहाँ से चल दिया ये? यस सर। अभी ठीक है देखो, बोलो भाई, अभी ठीक है? नहीं सर, एक और जगह ना अभी ठीक है सर, एक और नीचे अभी ठीक है? बोलो भाई। यस सर। यहाँ तक ओके हो? कोई डाउट आ रहा तो बताओ। अब आओ जरा, OA OP और OQ जो है वो A और B एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ OP कितना होगा? बोलो। t³/t² मतलब t, और स्लोप ऑफ OQ कितना होगा? λ³/λ² मतलब लैम्डा। ये होगा tan A, ये होगा tan B। बोलो होगा कि नहीं होगा? आपको चाहिए tan A by tan B, मतलब क्या चाहिए? बोलो भाई। आपको चाहिए t/λ, वो तो आराम से यहाँ से निकल ही रहा है ना, t/λ² + t/λ - 2=0। अरे हाँ या ना, अगर हम इसी को k लेके चले तो k² + k - 2 0 आ जाएगा, यानी कि k+2 and k-1=0। k की वैल्यू क्या आ रही है? -2 और 1। देखो कोई डाउट हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, बोलते जाओ भाई। कितने लोगों को ये सब समझ आया?
अरे बोलो भाई, मैंने क्या कहा था? काम आपको हमेशा उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना कभी भी। काम उतना ही था, सबसे पहले पॉइंट पैरामेट्रिक की वजह से सीधा सेटिस्फाई हो गया तो पहली इक्वेशन गई बच। फिर आपने इस लाइन का स्लोप निकाला और इस पॉइंट पर डीवाई बाई डीएक्स निकाला, दोनों को किया बराबर, वहां से एक इक्वेशन आ गई। अब इसी इक्वेशन का यूज आपको करना है। अब आपको ओपी लाइन का स्लोप निकालना था तो एक पॉइंट ओरिजिन था, एक पॉइंट पी था, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो स्लोप आएगा। यही स्लोप टेन ए के बराबर होगा, क्योंकि जो लाइन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप टेन थीटा होता है। ओक्यू का स्लोप निकाला तो वो टेन बी, टेन ए बाई टेन बी मतलब टी बाई लैम्डा चाहिए, टी बाई लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना के निकाल। कितने लोगों को कहानी समझ आई बताओ? कोई डाउट कहीं पे आ रहा हो तो बोल दो ना तुरंत। पहली इक्वेशन कैसे बना रहे हो? सीधा इक्वेशन लिखूं क्या? वाई एक्स नॉट वाई नॉट कर्व को सेटिस्फाई करेगा, पहली इक्वेशन तो यही होगी ना। एक्स वन वाई वन भी कर्व को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। इसके बाद इसको मान लो पी कह दो, इसको ए कह दो, स्लोप ऑफ पी ए कितना होगा? y नॉट माइनस y1 अपॉन x नॉट माइनस x1। अच्छा इसका अगर dy by dx निकालो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस बार, बोलो। यस सर। सब लोग समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। यहाँ से dy by dx कितना आएगा इस बार? माइनस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर। तो जो स्लोप होगा वो होगा dy by dx किस पॉइंट पर? x नॉट y नॉट पे, तो माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई वाई नॉट स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी? एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? वाई नॉट माइनस वाई वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन के। क्या यहाँ तक हम पहुंच गए, ये बताओ? Yes, अब आपको यही सब यूज करना। अब देखो, सोचो, देखो सोचो क्या कर सकते हो, बताओ। यही आपको यूज करके आंसर देना। ठीक है, इक्वेशन मैंने बताया। चलो देखो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब प्लस एक्स वन एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू वाई नॉट का होल क्यूब माइनस वाई वन वाई नॉट स्क्वायर। ये किया? अच्छा, एक्स नॉट क्यूब प्लस वाई नॉट क्यूब इक्वल टू एक्स वन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई वन वाई नॉट स्क्वायर। यहाँ तक आ गए? देखो, यस सर। यस सर। एक्स नॉट वाई नॉट के होल क्यूब को क्या लिख सकते हो? ए क्यूब। ए क्यूब को क्या लिख सकते हो? एक्स वन क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स वन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई वन वाई नॉट स्क्वायर। यहाँ तक आ गए? आप क्या करो, एक्स वन कॉमन करोगे तो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, वाई वन कॉमन करोगे तो वाई नॉट स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर आएगा। चेक करियो जरा, सही लिखा है? यस सर। गुड। यहाँ से क्या आएगा कि एक्स वन बाई वाई वन की जो वैल्यू आएगी, ध्यान देना जरा, वो क्या आएगी? y नॉट माइनस वाई वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। उल्टा लिख दिया। चलो एक्स वन माइनस एक्स नॉट और y नॉट प्लस वाई वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स नॉट। ये कितने लोगों को समझ आया? यस सर। यहाँ तक पहुंच गए हो? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। यस सर। जो हमें प्रूव करना है उसके हिसाब से चाहिए x1 by x0। एक सेकेंड, है ना? यहां तक हम स्टेप में पहुंच गए थे, बस ये मुझे बताइए, ये स्टेप सबने लिखा है? यस सर। देखो
x नॉट y नॉट y1 x1 ये सब हटाओ, इन सब की जरूरत नहीं। यहाँ तक पहुंच गए, देखो पहली और दूसरी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वैसे नहीं करो, मैं बताता हूँ वैसे करो, ऐसे तो बड़ा टफ सा बनेगा, कई चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। पहली और दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से सबट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा बताओ, एक्स नॉट क्यूब माइनस एक्स वन क्यूब प्लस वाई नॉट क्यूब माइनस वाई वन क्यूब इक्वल आएगा। यहाँ से एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वाई नॉट माइनस वाई वन, वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन वाई नॉट आएगा, हाँ या ना जवाब देते जाना। यहाँ से वाई नॉट माइनस वाई वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताओ, माइनस ऑफ वाई नॉट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन वाई नॉट, ये आएगा बोलो। अच्छा इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, माइनस एक्स वन नॉट स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर, तो इसको बराबर कर दो, क्या बोलोगे, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई वाई नॉट स्क्वायर किसके बराबर हुआ, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस वाई वन वाई नॉट, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, इधर देखते जाना एक्स yes, अच्छा sir. चूंकि हमें क्या करना है, डिवाइड में एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, देखो जो प्रूफ दैट उसमें डिवाइड में एक्स नॉट वाई नॉट चाहिए, तो क्या करो एक्स नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दो वाई नॉट स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, वन प्लस एक्स वन बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस एक्स वन बाई एक्स नॉट इक्वल टू वन प्लस वाई वन बाई वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई वन बाई वाई नॉट, आया ना जवाब देना, वन से वन कैंसिल हो गया, देखते जाना। अच्छा एक्स वन बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस वाई वन बाई वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई वन बाई वाई नॉट माइनस एक्स वन बाई एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ से आएगा x1 by x0 plus y1 by y0, यहाँ से आएगा x1 by x0 minus y1 by y0, यहाँ से आएगा minus x1 by x0minus y1 by y0, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या है x1 by x0 plus y1 by y0 plus 1 equal to, लिखा कि नहीं बताओ, बोलो भाई, उससे भी जो कैलकुलेशन हम पहले कर रहे थे उससे भी आ जाएगा, और उसमें क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू थोड़ी सी मैनेज और करनी पड़ेगी, इसमें क्या है कि डायरेक्ट दिख रहा है। अच्छा दिमाग, हमने यही क्यों सोचा कि हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज कर ले, क्योंकि ये दोनों ए क्यूब दे रहे थे, और जब हम ए क्यूब माइनस इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में एक टर्म ए माइनस बी आता है, और यहाँ पर उसी ए माइनस बी का रेशियो दिया है, लिखा कि नहीं, तो हमने इसको यूज करने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाली। अच्छा हमने एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें वैल्यू एक्स नॉट बाई वाई नॉट की निकालनी है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, क्लियर हुआ क्वेश्चन, देखो अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उतना ही है, ये पॉइंट ऑन द कर्व था, ये पॉइंट ऑन द कर्व था, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों को बराबर किया, काम इतना ही किया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा थ्योरी में कुछ नहीं लगाया, बाकी काम कैलकुलेशन करो, तो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट उतना ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, डन।